पूरा रोटेशन करके पुश करिए, जोन शिफ्ट हो चुका है ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत कम टीम से साउथ वेस्टर्न साइड पे शिफ्ट हो चुका है, यही है रैंडम जोन। और एटम टकलू अगर यहाँ पे नॉक हो जाते तो इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती, बिकॉज इनकी टीम में भी सिर्फ दो ही प्लेयर्स हैं इनके अलावा, तो इनको कवर फायर का खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बट लुक्स लाइक खेलना पड़ गया है, एटम मैच को नॉक एंड फिनिश कर देंगे इस टीम में। और एटम टेक्निकली काफी ज्यादा दिक्कत, वहां पे जीबू सिंह को जरूर स्पॉट कराएंगे, उनके ऊपर ग्रेनेड्स आने वाले भाई भर भर के। मैंने उसको बता दिया रिपीटेडली पुशिंग इनटू दिस हाउस, और शायद लोकेशन इनकी पता भी चल गई है। ओके यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा चुके हैं, ग्रेनेड फेंका है। ओके यहाँ पे एक ट्रिक्स आजमाने की कोशिश कर रही थी बट शायद फेल हो चुकी है फॉर नाउ। ग्रेनेड फेंक रहे हैं एटम टकलू बार पर, ओके एक और ग्रेनेड फेंका है, शायद एक और ग्रेनेड फेंका है ताकि नॉक्स निकल पाए, निकल कर पाए। यहाँ पे दो नॉक्स निकाल चुके हैं भाई, तीसरा ग्रेनेड से 1-3 करते हुए एटम टकलू, बहुत ही जबरदस्त मैं कहना चाहूंगा, यानी बहुत ही खराब पुश कहूंगा एंड बहुत ही स्मार्ट गेम प्ले कहूंगा एटम टकलू का। तो डैमेज शार्पी इनको अभी भी कवर फायर हो सकता है, डैमेज इतने डैमेज शार्पी को जरूर नॉक डाउन करा है। एटम टकलू के पास अभी कुछ होने को नहीं है बिकॉज इनका प्लेयर जो थे ऑलरेडी नॉक या फिनिश, बिल्कुल ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। एमएक्स सिंह इज द ओनली प्लेयर स्टैंडिंग फॉर द अदर टीम एज वेल, तो यहाँ पे 1v1 है